खबर जयपुर जिले की आंधी तहसील की ग्राम पंचायत बिरासना से बिरासना ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल के अध्यक्ष प्रहलाद नारायण शर्मा की अध्यक्षता में सातवीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसान भाइयों को राजस्थान सरकार द्वारा राहत मिलने वाली खाद बीज बीमा लोन वितरण ग्राम सहकारी समिति के लिए भूमि आवंटन करवाने के लिए सभी सदस्यों व सहकारी समिति के व्यवस्थापक लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, सहायक व्यवस्थापक पूरणवल शर्मा, उपाध्याय सूर ज्ञानी, मीना सीताराम गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, गोपीचंद शर्मा, जगदीश नारायण शर्मा, हरिनारायण मीना सहित सभी सदस्यों ने किसानों की फसलों को खराब होने पर मुआवजा नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जाहिर की। इस पर आपदा प्रबंधन को पत्र लिखकर दिया जाएगा। इस पर सभी सदस्यों व ग्रामीणों ने प्रस्ताव दिया गया। आज हमारी प्रबंध कारिणी की मीटिंग थी, 5/7/2023 को मीटिंग रखी गई थी। इसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति में काश्तकारों के हित के बारे में प्रस्ताव दिए गए। काश्तकारों को समय पर खाद बीज मिले, कर्मचारियों को हमने बाकायदा पाबंद किया। कर्मचारियों को ये निर्देशित किया गया कि काश्तकारों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, और जो फसल बीमा जो काश्त का होता है, जैसे सरसों का नुकसान हो जाता है, उस फसल बीमे के लिए समय पर उसका मुआवजा दिया जाए। फसल बीमा कंपनी को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके भेजने के लिए प्रबंधकारिणी द्वारा आज की मीटिंग में प्रस्ताव लिया गया। और हमारी सोसाइटी में जो भी काश्तकारों का खाद बीज कीटनाशक दवाएँ ये समय पर उपलब्ध की जाती है, और कर्मचारियों को पाबंद करने के बाद कर्मचारियों को ये कहा गया कि भाई जो भी काश्तकार आए समय पर उनका काम हो, जो भी मान लो बीमा हो और कुछ हो, फसल खराबा हो, उसको समय पर आगे भेजकर उच्च अधिकारियों को भेजकर काश्तकारों को समय पर फसल खराबा का मुआवजा मिलना चाहिए। कौन कौन से प्रस्ताव लिए गए आज के प्रस्ताव में? हमारे मेन प्रस्ताव तो एक तो हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो भूमि आवंटन का प्रस्ताव था वो लिया गया है। पहले भी पूर्व में भी दो बार लिया गया है, लेकिन दो बार हमने सरपंच साहब को लिखा, लेकिन सरपंच द्वारा पंचायत के प्रस्ताव तैयार नहीं होने की वजह से हमारा भूमि आवंटन अटका हुआ है, उच्च अधिकारियों को भेजा नहीं गया सरपंच द्वारा, तो ये प्रस्ताव हमारे द्वारा लिया गया। एक दूसरा प्रस्ताव ये लिया गया कि काश्तकारों को समय पर फसल खराब होगा मुआवजा समय पर मिलना चाहिए। उसको टोल फ्री नंबर पर काश्तकार फ़ोन भी करते हैं, लेकिन टोल फ्री नंबर पर जो फसल का जो बीमा कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर फ़ोन करने पर भी सही जवाब कंपनी द्वारा नहीं देता, इसलिए भी हमने प्रस्ताव लिया कि फसल बीमा कंपनी जो भी है उसको प्रस्ताव लिख करके और समय पर काश्तकारों को मुआवजा देने के लिए प्रबंधकारिणी ने प्रस्ताव दिया।